सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जीओ महाराज। धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जीओ महाराज। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, हम न सकत कर सिफत तुम्हारी। आपले हो तुम कथा सुधारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आपले हो तुम कथा जी। अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली ठाकुर पैहार। ठाकुर पैहार, ठाकुर पैहार।
ठाकुर पहार, अब हम चली ठाकुर जब हम शरण प्रभु हम शरण प्रभु की आई, जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम लोक
Thank you.
वाहे गुरु वाहे
चली ठाकुर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई राख, प्रभु पामे मार। अब हम चली ठाकुर पै हार। गुरु प्यारी साध संत जी, सारे करो रसना पवित्र, गज बज के फतेह दा जवाब फतेह विच दो। सारे गज के आखो जी वाहे गुरु जी का वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अपार कृपा रहमत होई आ, जो सानू सारिआं नूं महाराज सच्चे पातशाह ने सतसंग दीआं घड़ीआं बख्शीआं। सच्चे पातशाह की कृपा नाल इस स्थान ते दूसरा दीवान आप संगतां दे दर्शन हो रहे आ। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट शुक्र है, जिन्ना कु भी समा है आओ पूरा पूरा ला कटिए, अपने चित्त नूं मन बिरतियां नूं एकाग्र करके गुरु साहब धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी के चरणों नाल जोड़िए। जतन करना है इस गल नूं, थोड़ा ध्यान नाल समझिए कि जेड़ी सिखी है वो साढ़े मन की है। मन की अवस्था ध्यान दिया जाए, केवल बाहर के पहराव्या नूं, बाहर के भेख नूं, बाहर के कपड़िया नूं सिखी नहीं कहिंदे। सिखी अंदरों आती है, अंदर होंदी है, मन की बात है। सिख जेड़ा है वह मन बनता है साडा। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह मेहर रखण, जेड़ा आपां बाणा बाहरों पाने, जेड़ा बाहरों पाईदा है, बाड़ों कृपान पाईदी है, बाहरों ककार धारण करी दे, बाहरों जेड़े दस्तार सजाई दी है, वो जेड़ा बाहरला बाणा है वह गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करन साडे मन ते पहराया जाए। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। जिन्ना चिर साडा मन बाणा नहीं पाउंदा, मन अमृतधारी नहीं हुंदा, उन्ना चिर फिर सिखी नहीं। क्योंकि कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे आ, रहत प्यारी मुझ को सिख प्यारा नाल। इत्थे सिख भी आ गया ते रहतवान सिख भी आ गया। गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी महाराज नूं रहत नाल प्यार है, रहनी रहै सोई सिख मेरा। जे सिख दे जीवन विच मर्यादा है, जे सिख दे जीवन विच गुण हन, जे सिख दे जीवन विच चंगी कमाई है, नेक कमाई वाला है पुरश, ते ओ सिख। कल नूं मैनूं एक कोई मिलिया बंदा, वो कहिंदा जी सोच दी गल है, बाहर जो मर्जी करी जाओ, जिहड़ा मर्जी कर्म कर लो, भावें शराबां पियो, भावें जो मर्जी करो, बस कहिंदा जी साडा जिहड़ा मन है ना वो साफ होना चाहिदा, साडी सोच साफ होनी चाहिदी है, भी किसी दे लई बुरा ना आवे दिमाग च, किसी लई कुछ ना आवे, बस बंदा साफ होवे, भावें करो जो मर्जी। ये गलत फहमी है साडी। साडा मन या साडी सोच जिद्दां दी होवेगी साथों उही कर्म होणगे। जिद्दां दा मेरे दिमाग विच चलदा होएगा उही मैं बाहर करांगा, वह मेरे तो होएगा ही होएगा। जिद्दां दी मेरी सोच बन जाएगी, जिद्दां दी मेरियां आदतां होणगियां, जिद्दां दा मेरा थॉट प्रोसैस होएगा, मैं कर्म भी उदां दे करांगा। जे मन दे अंदर बहुत ईरखा है किसी प्रति, जे मन दे अंदर बहुत ज़्यादा किसी प्रति नफरत होवे, ते ना चाहते हुए भी बंदा उन्हों गाल कढ़ी आंदा, कढ़ के ही आ जाता, फिर आके पता की कहिंदा, कहिंदा यार मेरे तो कंट्रोल नहीं होया यार, वो बंदा मेरे सामने आ गया, मेरे तो रुकिया नहीं है,
नफरत सी उहदे मन विच ते जबानों भी तो गाल ही निकली। जे अंदर मन दे विच गुरु ग्रंथ साहब वसे होणगे, जे ये सच्चा विचार अंदर चलता होवेगा ना, नहीं नहीं पर का बुरा न रखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। भी सारे मेरे भरा ने, एक पिता एक असके हम बारक, तू मेरा गुरहाई। जे अंदर ये चीज़ां चल दिया होन गया ना, तो फिर देखियो भी फिर वो गल आ जाती है भी बंदा ना फिर की करता है, अपनड़े गिरीवान मैं सिर नीवा कर दे। ये गल चलती है, फिर ये चीज होंगी है, फिर वो भावे अगला जो मर्जी करी जाए, फिर इतने जोड़ा गुरसिख बैठा होंगे ना गुरु ग्रंथ साहब न जुड़िया होया, वो शांत रहता, वो मन च फिर कुछ नहीं चलता, वह शांत रहता। सो इसी प्रकार जोड़ा बाणा आप बाहरों धारण करते हैं, उ जे अंदर पाया जाए, जे समझ लिया जाए भी मैं अमृतधारी केवल मेरा शरीर नहीं होया, अमृतधारी मेरा मन भी नाल होए, मेरा मन भी होना चाहिए। नहीं तो की होंदा है, आम ये गल देखी जाती है, शरीर तो अमृतधारी होंदा है पर जेरा मन होंदा वह मायाधारी होंदा। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। मन की होंदा जी? मायाधारी। तो बंदा की होंदा? शरीर की होंदा? अमृतधारी। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਪਰ ਬਾਹਰਲਾ ਤੂੰ ਭੇਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਸਵੀਂ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਕਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜੇ ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਠੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਝੜਨਾ ਦੀ ਧੂਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਾਸ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਮਾੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਕਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਪੈਣ, ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪੇ ਪੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌਧਰਪਣਾ, ਅੱਧ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕੱਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋਲੀ, ਨਾਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੋ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਸਰੀਰ ਬਣੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਗੰਦ ਮੰਦ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਕੌਣ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ? ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ। ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰੰਗ ਸਹਿਜੇ ਮਾਣ, ਨਾਨਕ ਧਨ 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 ਜਨ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣ ਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹਿਨ ਪੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਜਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਪਛਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹਿਨ ਪੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ
ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ ਹਰਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਅੰਗ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਭੇਖ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਭੇਖ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਬਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵਾਂ, ਆ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਜੂਅਲ ਪਾ ਲਏ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਗੜੀ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਲੜ ਵਾਲੀ ਬਣ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਵੇ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਰਵੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੈਠਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਨੀ ਕਦੇ ਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਥੋਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਾਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲਾਏ, ਆ ਕਕਾਰ ਵੀ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਾਣਾ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਬਾਣਾ ਕਦੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇ ਬਚਨ ਬੋਲ, ਇਹ ਗੁਣ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਣਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਸੰਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਚੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਐਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਆ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਐਂ ਮੱਥਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਗਈ ਹਉ ਪੀੜਾ, ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀ, ਬਾਰਕ ਵਾਂਗੀ ਹਉ ਸਭ ਕਿਛ ਮੰਗਾ, ਦਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਾਰਕ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਲਕ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਲਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਲਕ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਲਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਬਸ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
छोटिया छोटिया गल्लां सच्चे पातशाह नूं आ के दसीए वी महाराज अज इह होया अज इह गल आ महाराज सांभ लो सच्चे पातशाह आप कृपा कर दो ते जिद्दां जिद्दां ज्ञान मिलदा रहूगा ना उदा उदा सच जाने भी सारी चिंता सब निवृत हो जाने इन्ना साडा माइंड जड़ी ना पॉजिटिव वाइब्स आ जाणगियां साडे विच ते जिद्दां आपां शांत रहांगे ट्रैंक्विलिटी एंड कामनैस वो साडे विच आएगी वह फिर अगला बंदा जिहड़ा साडे नाल भी बैठा होगा ना वह भी शांत हो जाएगा वह कहेगा कहेगा फिर भी मैनू एडे को लैके चल यार बंदा बड़ा सही है भी ये नाल बैठते हैं तो मन में चैन सुकून मिलता तो साढ़े गुरु साहब भी यहोजे सी प्यारे मन में एकदम शांति मिलती सी बहनदिया नाल आओ सच्चे पातशाह कहिंदे आ भी जप तप का बंद बेड़ुला जित लंघै वहेला भी जपदा तपदा तू बेड़ा बन लै तेरे आ जिहड़े भव सागर है ना उत्तों सुख ही पार लंघिया जाएगा तू दुख तकलीफां तेरे नेड़े नहीं फिर तैनू चिंता रोग नहीं पैनी फिर तू एडा सोचेगा नहीं तैनू हर चीज का ज्ञान मैं दे रहा ये गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह कहिंदे एक एक अखर सुनियो एक एक लाइन दुख सच्चे पातशाह दसदे आ आओ विचारिए नाल जप तप का बंद बेड़ुला जित लंघै वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला जप तप का बंद बेड़ुला कहिंदे किश्ती पाला एक कहिंदे जप दी तप दी भजन बंदगी दी कहिंदे अपनी किश्ती बना लै बेड़ा तैयार कर लै जित लंघै वहेला बहुत सौखे छेती छेती पार हो जाएगा मरण का इंतजार नहीं करना पैना फिर मरण मुक्त किस पाई किने कौन देखता भी मरण तो बाद भी मुक्ति है किसी को पता चलता है भी बंदा तो मर गया हुण किदां पता चलू भी मैं मुक्त हो गया कि नहीं हो गया ये तो भगत कहिंदे हुंदे सी शब्द भी आंदा गुरबाणी के अंदर फिर कदे मौका मिलिया तो आपां सारा खोल के उन्हूं विचारांगे भी महाराज मैनूं हुणे ही जीवन मुक्त करो जिउंदिआं जी मुक्ति दिओ इन्हां विकारां तो मैनूं मुक्त करो इन्हां चिंतावां तो मैनूं दूर करो सच्चे पातशाह मैनूं जिउंदिआं जी मुक्त करो महाराज कहिंदे लै जप तप का बंद बेड़ला जित लंघै वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला पंथ कहिंदे रस्ते नूं ये गुरु नानक साहब गुरु कलगीधर महाराज ने जिहड़ा सानूं राह दिखाया ये एडा प्यारा रस्ता है आनंदमई रस्ता इत्थे कोई भी कह लो एकदम सीधा पंथ सुहेला पंथ है इत्थे प्यारा जिहा जे बंदा तुरदा रवे तुरदा रवे तुरदा रवे उसी रस्ते ते सही रस्ता मार्ग है जिहड़ा जे तुरदा रहेगा जो ता कह मार्ग में आए ते कब हूं नहीं पाप संताए जे जे पंथ तवन के परे पाप ताप तिनके प्रभ हरे जिहड़ा इस पंथ ते चलदा इस रस्ते ते चलदा सिद्धा होके तुरदा उहनू कहिंदे आ भी कदे दुख तकलीफां नहीं आउंदियां ओ कदे चिंता रोग नहीं उन्हों सतांदा कुछ खाया है कुछ पीता है नहीं पीता कुछ होया साडे जीवन च नहीं होया पर कहिंदे जिद्दां तेरा हुक्म चलदा है महाराज उद्दां उद्दां भी जो हो रहा सही हो रहा ना सरवर ना उछला ऐसा पंथ सुहेला हां जी तेरा एको नाम मजीठड़ा रता मेरा चोला सद रंग टोला तेरा एको नाम है ना जेड़ा तेरे नाम दा रंग मजीठा रंग है गूढ़ा गाढ़ा रंग कदे नहीं उतरदा रता मेरा चोला सद रंग टोला कहिंदे मेरा तां चोला अदे रूप शरीर रूप मेरा मन मेरा रंगिया गया हुण नहीं कहिंदे भी हुण नहीं उतरदा यह रंग बड़ा मजबूत हो गया बड़ा गाढ़ा हो गया पक्का रंग चढ़ गया पक्का रंग चढ़ाना यह ना हो भी मैं इत्थे गुरुद्वारे कुछ होर होवां ते मैं बाहर कुछ होर होवां इस करके कहीदा है भी यह गुरुद्वारा जिहड़ा ना यह साडा स्कूल है जो बंदा इत्थे करदा है वह बाहर भी करे
जे आपां भांडे इत्थे मांजदे आ ते बाहर मांजण नूं अपने घरां विच मांजण नूं गुरेज ना करिया जाए। साढ़े माता की तबीयत जिहड़ी खराब है, पेरेंट्स बीमार ने, साढ़े ओह काम वाले नहीं आए करन वाले, कुछ भी हुंदा है, जे गुरुद्वारे आपां मांज सकदे आ ते घरां विच क्यों नहीं, घरां विच काम करा के कोई राजी क्यों नहीं। वी कहिंदे वी साडी इज्जत थोड़ी है, मैं भांडे मांजा, मैं झाड़ू ला लूं, क्यों आपां की आ जी गुरुद्वारे की हुंदा, तू ते घर की हुंदा है। अपने घरां नूं गुरुद्वारे बनाओ, यह अज की लोड़ है, यह अज की लोड़ है। इत्थे ड्रामे आपां करदे आ बहुत, मैनू माफ करिओ जी, बहुत ड्रामे करी दे इत्थे, प्रसादा वाहगुरु जी, दाल वाहगुरु जी, जल वाहगुरु जी, आ जोड़े लियाओ जी वीर जी, घर विच की हुंदा सन हैंड बगा के मारदे। किसने एक गिलास पानी मंगया, मैं नहीं जांदा, मैं क्यों जावां, बतू लिया फलाने, तू लिया फलाने, तू लिया विच दुनिया सेव कमाई है तां दर गए बैसण पाई। कहो नानक बाह लुडाई है, कहिंदे फिर लुडियां मारदा ही जाएगा सचखंड नूं, लुडियां एवें मारदे ना, बच्चे खुश होंदे आ ते एवें एवें हथ मारदे आंदे आ, कहिंदे जे इत्थे तूं सेवा करेंगा ता खुश रहेगा। सब तो वड्डा गहना जिहड़ा गुरसिख दा, जिहड़ा साडा बाणा होना चाहिए, मन दा बाणा की है जी, निम्रता की है जी, बाणा जे नीवा होके रहेगा, नीवियां रुखां नूं फल लगदे, फल लगदा है, फिर वो फल तुसी महसूस करोगे, उहदा रस तुहाडे विच वो फल उगदा तुसी महसूस करोगे उस चीज नूं। जे साडियां अखां नीवियां रहणगियां, जे साडे विच बहुत प्रेम रहेगा, एवें हथियार सब तो वड्डा दसा तुहानूं की है, गुरसिख दा हथियार की है, अनिमरता, यह जिहड़ी चेहरे ते खुशी है ना, ये समाइल हुंदी है जिहड़ी, ये हथियार है, मिठे बोल ये हथियार है, ये भगती है। गुरु ग्रंथ साहिब एक जगह कहिंदे सतगुर का खड़ग संजोग हर भगत है, कहिंदे हरी दी भगती हर एक खड़ग ते संजोग कृपान तलवार, कहिंदे हर भगत है, ये भगती जड़ा है, कृपान साड़ी तलवार साड़े शस्त्र, ये गुरसिख कोल होना चाहिदा है। जिन्हों नीवा होना नहीं आया प्यारे, मत जाने गुरु नानक का कितने सिख बन गया नहीं। एक गरीबी ए निम्रता बहुत लाजमी, ये तुसी आप करके वेख लियो प्रैक्टिकल। कोई सानू बथेरा कुछ बोली जावे, नफरत करे, ईरखा करे, उन्हूं जाके जलो जफ्फी पाओगे ना, तो आप ही शांत हो जाना। उन्हूं वीरे कह के बुला दो, वीरे आ भैने, प्यार नाल जिन्ना प्यार हो सके, प्यार नाल दुनिया जित लोगे, दुनिया जीती जा सकती, किड्डा भी टेढ़ा बंदा होगा ना वो सारे फिर लाइन ते आ जाते हैं जे प्यार नाल, क्योंकि दुनिया प्यार दी भुखी है, हर कोई प्यार मांगदा है। अज दे समय च बच्चा होवे तां प्यार चाहिदा, बुजुर्ग होवे उन्हूं भी प्यार चाहिदा, जिन्ने रिश्ते है ये प्यार नाल जुड़े हुए है, जिथों प्यार खिसकिया उत्थे ही रिश्ते विच दरार, समझते हो गल, ये सच है ना। जिन्ना जिन्ना चिर घर विच साडे बच्चियां नाल साडा प्यार है, साडे मापियां नाल साडा गूढ़ा प्यार है, फिर तां बच्चा रहेगा, सचखंड बन जाएगा वो घर। जितों प्यार निकलिया नफरतां शुरू होईयां, जितना भी जितना जिन्ना थोड़ा जिहा भी जे शक दे घेरे च आ गया बंदा, जे अंदरों ईरखा करनी शुरू करती, की होएगा उत्थे फिर दरारा पै जाएगी, उत्थे फिर टिकता नहीं रिश्ता, उत्थे नहीं टिक पाएगा लंबा। बस प्रेम होवे, नीवा बंदा रवे, ओ फिर खुशहाल रहिंदा है। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, जे गुण होवे कंठड़िया मेलेगा सोई। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, कहिंदे मैं रब नूं मिलन चलिया, मैं रब नूं मिलन जा रहा, मैं किद्दां मिला।
साजन चले प्यारिया क्यों मेला हुई मेला किदा हुए भी मिला किदा रब नू अगे सुनियो हां जी दोबारा साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण होवे गंठड़िए मेले का सोई जे इत्थों किसे नू पंजाब मिलन जाना ते साड़ी गंठड़ी विच साड़ी जेब च पैसा होना चाहिए भी रस्ते च खाना है होर समान लेना होंदा जरूरत दा समान भी चलना है अगे अगे नू वधना है भी ट्रेन लेनी है कोई रिक्शा लेना है साड़ी गंठड़ी च पैसे होणगे साड़ी जेब च पैसा होगा तो बंदा सौखा पहुंच जाएगा ते इत्थे सच्चे पातशाह कहिंदे तू तां रब नू मिलण चलिया ते तेरी गंठड़ी विच गुण चाहिए आखो सतनाम तेनू गुण धारण करने पैने मूर्खा किथे इथे उथे टकरा खांदी फिरदा प्यार मिठा बोलना सिख किदा मिले जी रब नू जाए पुछो सुहागणी तुसी राव्या किन्नी गुणी कहिंदा मैं प्यारिया नू पुछया भी किदा मिला भी प्यार तू मिलिया होया रब नू ते मैं किदा मिला जाए पुछो सुहागणी तुसी राव्या किन्नी गुणी अगो पता की कहणगे सहज संतोख सिंगारिया मिठा बोलनी कहिंदे सहज ते संतोख अपने अंदर धारण कर ते मिठा बोल आखो सतनाम सबना मन माल खान मूल मचंगवा जे तो पिरिया दी सिक जे तेनू रब दे मिलन दी तांग है हियाओ न ठाहे कहीदा किसे दा दिल ना दुखाई आखो सतनाम जे रब नू मिलना चाहना है ता हियाओ न ठाहे कहीदा किसे दा हिरदा ना दुखाई किसे नू कौड़ा ना बोली किसे नू उच्चा ना बोली अपने आप नू नीवा समझी हरदम हां जी मिलिया होए ना विछड़ा जे मिलिया होई आवा कौन निवारिया है साचा सोई मिलिया होए ना विछड़ा कहिंदे जे मिलिया होएगा जे सच्ची तरह मिलिया होएगा ते कहिंदे ओ फिर कदे नहीं विछड़ सकदा ओ नहीं कदे विछड़ सकदा जे अंदरों कच्चा है जे अंदरों ढिल्ला है फिर कह लो भी ए तां गड़बड़ कम है ए रब तो कदे दूर होंदा है कदे नेड़े आंदा कदे दूर होंदा है कदे नेड़े आंदा रब उत्थे ही है करमी आपो अपनी बोलो भी करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर किदी गलती रब दी रब मेरे तो बहुत दूर है मेरी तां सुनदा नहीं रब तू अपने कर्म तां देख कर तू तां वेख पहले है जिगरे है जिगरे इत्थे ना हुण ध्यान रखे सुनियो आनंदपुर साहब एक घेरा पिया जिस वेले मुगलां नाल 6-7 महीने दे आस पास घेरा पिया रहा ना कुछ खाण नूं अंदर जांदा सी ना कुछ पीण नूं अंदर जांदा सी एडे सिख जिहड़े अंदर कैद सी जिहड़े अंदर किले दे अंदर सी महाराज वी विच माता गुजरी जी वी विच साहबजादे भी बिच होर सिंह सारियां मातावां बिच आनंदपुर साहब ना कुछ खाण दा ना कुछ पीण दा समान यह प्यार सदका ना जिहड़ा रब दे नाल आशक सीगे उह तां रब दे उहनां दीआं भुखां गुरबाणी गवांदी सी छोटे छोटे लाल छोटे छोटे बच्चे कितना भुख सारी होणी है 6 महीने की गल करदा मैं कह रहा तां कहण नूं तां बहुत आसान है पर हंडा के वेख्यो एक दिन तुसी भुखे रह सकदे एक दिन दी गल छड्डो भी एक वेले दी भी जे रोटी साडे तो मिस हो जावे किदा बंदा तड़फदा अज मैं कुछ खादा नहीं मेरा सिर पीड़ हुंदा है मैं कुछ खा नहीं सकदे ओ किदा अंदर जिंदा होणगे एक नूं कोई समान मिलदा सी ना दूसरे सिंह दे मूंह च पांदा सी भी वीरिया तू खा ओ कहिंदा ना वीरे तू खा ना सिंगा तू छक ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹਾਰ ਲੂੰਗਾ ਤੂੰ ਸ਼ੱਕ ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਦੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 5000 ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ
जे प्यार नहीं तो लखों रुपया भी बर्बाद, करोड़ा कमाण वाले भी अज डिवोर्स कराई फिरदे। क्यों? प्यार नहीं है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपस च समझ नहीं है। ये समझदारी कौन बख्शे? एक गुरु ग्रंथ साहब तो अलावा आखो सतनाम। ये कौन बख्शे? वो कहिंदा ना सिंह तू शक, वो कहिंदा नहीं तू शक, भी तू शक एवें कर करके भी छे महीने हो गए, पर कुछ कु विच निकले साडे वर्गे, भुख सहारी ना गई है ती औखा काम सी, भुख नहीं सहार होंदी। कहिंदा किन्ना चिर हो गए, वो फिर चाली सिंह वो बाहर निकले, कहिंदे सच्चे पातशाह साथों नहीं हुण रहा जांदा, भी हुण जाइए दिओ आगे। महाराज कहिंदे बस छड चले आ, सच्चे पातशाह करिए कि भी भुख सानू तंग करदी है, भी भुख एडी लगी है, साडे कोल कुछ है नहीं, साडे परिवार पिछे सानू उडीक रहे होणगे, इत्थे तां कुछ बणदा दिसदा नहीं, भी सानू जाणा है हुण। की बीतदी होवेगी ना, यह सोच के बैठे की बीतदी होवेगी। जो तुहानू कोई बहुत, तुसी किसे नू बहुत प्यार करो, बहुत प्यार करो, गले लगाई रखो, उसकी हर मुराद हर इच्छा उसकी पूरी करने की तुहाडी कोशिश रहे, जे वही आके एक दिन कहते भी मैं चलिया हो, तू एवं है भी मैनू नहीं सार दा तेरे नाल, मैं नहीं रह सकता, मैं जा रहा, तुसी जिंदा रह पाओ किड्डा साडा दिल उस वेले रोएगा, भाई मैं तो एडा प्यार करता सी यार, मैनू छड्ड चले, ये मेरे बारे इंज सोचते, किद्दा दिल रोंदा उस दिन। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह धन जिगरे आ सच्चे पातशाह दे, कहिंदे महाराज जा रहे हां, पातशाह कहिंदे भी रोकिया तां बहुत, भी कोई नहीं हुणे सच्चे पातशाह कृपा करन कि भी लंघ जावांगे अगे, पर महाराज नहीं, महाराज कहिंदे फिर जाना है तो एक काम करो, भी लिख के मैनू दिओ भी असी तेरे सिख ने, भी तू साडा गुरु ने, आ लिख के मैनू दिओ भी साइन करके। कहिंदे लै एडे इहदी इहदे च की वड्डी गल है, हुणे लिख दिंदे, हुणे लिख दिंदे, कहिंदे उह लियाए जी कागज कलम, उत्थे फिर लिखिया उहनां चालियां ने लिखिया भी तू साडा गुरु ने, असी तेरे सिख ने, चालियां दे चालियां ने उत्थे फिर अपने अपने सिग्नेचर किए, भी आह अपना लिख के देता, भी लो महाराज अपना चल रहे। सच्चे पातशाह ने ना बाह फड़ के रोकया गुरु गोबिंद सिंह साहब, कहिंदे भी गल सुन जो चले तो तुसी हो, मगर मेरे बच्चे हो अज साथ छड़ रहे हो ना, पहले तो तुसी साथ दिता ही बहुत है मेरा, भुखे भाणे जिदा भी तुसी जंगा विच जूझे, तुसी मेरा बहुत साथ दिता है, बहुत साथ दिता है, अज तुसी भुख दे मारे बस जा रहे हो ना, पर मेरी गल सुनो। गुरु गोबिंद सिंह बाजां वाले कहिंदे, कहिंदे बच्चे हो कल नू ऐ होवे कि मैं कदे तुहाडे घर दे बूहे अगे खड़ा होवां, कल नू कदे मैं तुहाडे घर दे बूहे अगे खड़ा होवां, भावें तुसी अपना बूहा बंद कर लो। गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे आ भावें तुसी अपने दरवाजे मैनू वेख के बंद कर लवो, पर मेरे बच्चेओ मेरे सिखो एक गल याद रखियो, भी मेरे दर दे इस दर दे ते अंदरले हिरदे दे दरवाजे तुहाडे लई सदा सदा लई खुले, जद मर्जी तुसी आ जाओ मैं तुहानू अपने गल नाल लाऊंगा। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे, पर उत्थे ही बदावा लिख के ऐन मारन नू देख के छड के आ गए। अकिरत कांड पढ़ना ना प्यारिओ, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। गुरु साहब कहिंदे ओह तां धरती ते भार ने भार, सब तो मंदा बंदा जिहड़ा, सब तो गंदा बंदा जिहड़ा दुनिया ते है, वह है अकिरत कांड, जिहड़ा किसे दे कीते उपकारां नूं भुल जावे, किसे दे कीती मदद नूं कदे किसे ने साडी मदद कीती होवे मैं भुल जावां, तू कौन है। कई बार करते हैं भी किसी ने औख वेले सानू कोई उधार दिता, पैसे दिते, बाद चो जो देन का समा आता है, तू कौन है, तू कौन, मैं नहीं जानता, ये मोड़ी फिर मोड़ता नहीं,
सब तो माड़ा बंदा गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे है भारे भोए अकिरत घण मंदी हो मंदे आओ सारे एक बारी पढ़ लियो मंदी हो मंदे भारे भोए अकिरत घण मंदी हो मंदे भारे भोए अकिरत घण मंदी हो मंदे धरती ते कहिंदे भार है ऐडा भार नहीं धरती पहाड़ा दा खड़िया होया दा भार नहीं मंदी एडिया नदियां चलदियां उदा भार नहीं मंदी एडे बंदे तुरी फिरदे उदा भार भी नहीं मंदी कहिंदे धरती उदा भार मंदी है जिहड़ा ना सुकरा है जिहड़ा ना सुकरा जिहड़ा किरत घणा है उदा भार मंदी है धरती धरती ते बोझ है वो मंदी हूँ मंदे मंदी हूँ मंदे किरत घण मंदी हो मंदे कहिंदे उन्हां दा भार है फिर जिस वेले वो चाली सिंह मुड़ के महाराज नूं वधावा दे के वापस आए ना अपने घरां नूं अपने बच्चियां नूं ऐ करदे वी आजो 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 अपने परिवारां नूं जाके मिलदे आ भजदे अपने घरां नूं घर वाले बड़ा सत्कार करदे वी महाराज महाराज दे कोल सीगे महाराज सच्चे पातशाह जंग हो गई जिस वेले वापसी आउंदे ना कोई इन्हां दा हाल नहीं पुछदा कोई ये नहीं कहता भी भाई मां सिंह तुहाडा की हाल है तुसीं ठीक हो ना ये नहीं पुछया उन्हां दी घरवालियां ने उन्हां दे मापिया ने उन्हां दे बच्चिया ने पानी बाद चो पुछया पानी तक नहीं पुछया कहते महाराज ठीक ने गुरु गोबिंद सिंह साहब का की हाल है कित्थे ने हुण महाराज जंग हो गई फतेह हुई किदां रहा किन्नियां ने शहीदियां प्राप्त कीतियां सच्चे पातशाह राजी ने ठीक ने यह पुछया वो सारे एक दूजे का मूँह तकन कहिंदे बनिया कि असी तो सोचा कुछ होर सी वी बन की रहा है फिर हौले जे कहिंदे जिन्हें गलती की होंगी ना उहदा संग नहीं खुलता फिर आवाज नहीं निकलती सच्चियां दे सामने आवाज नहीं निकलती चोर दी पुलिस दे सामने आवाज नहीं निकलती उहदे ना फिर हल्का जा कहिंदे कहिंदे आपां छड्ड आए की कहिंदे महाराज नूं लिख के दे आए आपां कि तुसीं साडे गुरु नहीं असीं तुहाडे सिख नहीं उहनां दे बच्चे जिहड़े उहनां दी गोदी च बैठे सी उतर के दूर घर वालियां जिहड़ियां नेड़े बैठियां सी उठ के दूर मापे जिहड़े नाल नाल सीगे उठ के दूर ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਨੀਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ
आखो सतना श्री वाहिगुरु। हुण जिन्हां ने बंद बंद कटाए खोपड़ियां लवाईयां, जिन्हां मावां ने अपने बच्चियां दे टोटे टोटे अपनी अखां सामने कराए, उन्हां दा रिश्ता किहदे नाल सी? गुरु गोबिंद सिंह दे नाल। बोलो भी किहनां दा किहदे नाल सी रिश्ता? ते हुण अपने अंदर तां झाती मारीए वी साडे रिश्ते किहदे नाल जुड़े होए आ, किहदे नाल साडे रिश्ते, साडा प्यार किहदे नाल पिया है, किहदे नाल साडा प्यार है? उत्थे सारे छड्ड दिंदे आ, कहिंदे ओए तुहाडे नाल आपां नहीं मिलणा, भी तुसीं इत्थों भज जाओ, असीं नहीं तुहाडी शकलां वेख सकदे। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे भी सतगुर ते जो मूह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन। आ सुणियो पंक्ति, सतगुर ते जो मूह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन। कहिंदे ओह तां बहुत भैड़ियां शकलां उन्हां दियां हो जांदियां जिहड़े गुरु तों पिठ कर लैंदे, जिहड़े गुरु नूं पिठ दिखा दिंदे आ। बदावा उन्हां ने नहीं लिखिया सी प्यारे, असी भी लिख चले हां। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। बदावे आपां भी लिखदे हां। जिथे रिश्तेदारी की गल आ जाए उत्थे फिर बदावा लिख देने। मेरी गल नूं समझियो ध्यान नाल, जिथे यार दोस्त कट्ठे हो जान उत्थे बदावा लिख देने। जिथे साडी इज्जत की गल आवे उत्थे आपां बदावा लिख दें। भावें गुरु तो उल्ट चलना पै जाए कोई नहीं, फिर की हो गया? मेरी रिश्तेदारी तो बचूगी, मेरी चौधर तो नहीं मुकेगी। की हो गया जे मैं ठगियां मारदा? की हो गया जे मैं झूठ बोल लिया? की हो गया जे शराब पी ली? की हो गया फिर एक गलत काम कर लिया? की हो गया? नहीं, फिर समझ लियो तुहानू किसे नेड़े नहीं लाना, कोई नेड़े नहीं फिर प्यारे। ये तां माया की शोभा, चार दिहाड़े जांदी बिलम ना होए। जदों हॉस्पिटल च पिया होएगा बीमार, उस वेले की कहेगा? रब्बा मैनू बचा ला। जिस वेले मौत दे किनारे होएगा उस वेले कौन याद आएगा? रब जी मैनू बचा लो। प्यारे हो, ए सोच के वेखो। बदावा लिखदे आपां व्याहां शादियां च अपने बच्चियां दे व्याह होण, अपनी बच्चियां दे अपने लड़कियां दे व्याह कराने हुंदे आ, बंदा सारा व्याह ओह सारे व्याह ते बदावा लिख के पहले ही दे दिंदा है वी गुरुआ मैं तेरा सिख नहीं तू मेरा गुरु नहीं। लिख के नहीं पर अंदरों हिरदियों ओह कम हो जांदा है साथों। गंदे गीत नचना टपना मास मछियां आ सारे काम तो होंगे, किड़े नहीं होंगे? खासकर सिखां दे व्याहां विच। अज कोई सिख सादा व्याह करा के वेखे जो जुत्ती उदे पहनी है, जो गाला कढ़दे लोग भी तू सरदार हो के इदां दा भी ए दूसरे धर्मां दे लोग सानू कहिंदे आ के भी तू सरदार हो के काम नहीं करदा। लै किड्डी अपनी दस्तार आपां बदनाम कीती है। आखो सतनाम वाहिगुरु। दूजे नहीं रोलते साडियां पगड़ियां, दूसरे नहीं रोलते, असी आप रोलते। असी आप रोली बैठे हैं, चुनिया कोई होर नहीं रोलता साडियां, आप रोली। आप असी अपनी मिट्टी पलीत करिए, गल नूं जिन्नी छेती हो सके मन लईए स्वीकार कर लीए, भला है जिन्नी जल्दी स्वीकार कर लो इस गल। मेरे करके मेरी कौम की पंथ की बदनामी होंदी है। एक दे उत्ते एक दस्तार वाले दे उत्ते उंगल चुकी जाएगी, इहदा मतलब सारी कौम उत्ते चुकी गई है भी सारी पगड़ी वाले फिर इंज ही होने। जे ए इदा दे काम करदा करतूता करदा वे सारी करदे होने, होरां नूं की दिखाया बन के असी? गुरु गोबिंद सिंह दे वारस, बाबे अजीत सिंह दे वारस, लख लाणतां साडे ते, लख लाणतां साडे ते। प्यारे ओ की बन के विखाया सी? तां भूत बन गए, असी तां आम संसारी बन गए। सिख तां सिख दा किरदार बहुत उच्चा हुंदा सी, उस सिख जदों चलदा सी किते लगदा सी भी कोई बंदा तुरिया आ रहा, कोई लगदा सी भी कोई है देवता। अज साथों राक्षसां वाले कम हुंदे आ। हुण मैं खोल खोल के नहीं दस सकदा एक चीज भी तुहानूं, सारे समझदार इत्थे बैठे।
डराउने रूप दिखाने अपना अपने हक जताने अपना अपने आप नू उपर रखना ये असी राक्षसां वाले काम करते हैं भावें किसे दा नुकसान हुंदा हो ही जावे सानू की लेना देना भारे पोया किरत कण फिर कोई जदों जगाण वाला आंदा है ना सुती हुई साडी सुरत नू जिहड़ा कोई ललकारा मार के जिहड़ा जगांदा है ओ हुंदा फिर असली जोड़न वाला ओ फिर इत्थे ना इन्हां कोल ओ बीबी आई फिर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी लाडली बच्ची कौन जी धन धन माता भाग कौर जी कौन जी आ बीबी बोलो गज के हां जी कौन सीगे माता भाग कौर ऐडा जज्बा सी उन्हां विच हजूर साहब जाके तुसी वेखे हो तख्त श्री हजूर साहब नाल ही बंगा बनिया माता भाग कौर जी का स्थान उत्थे मेरे अठ फुट बारह फुट लंबे महाराज माता जी दे पिस्तौला पड़े एडे शस्त्र पे माता दे उत्थे माता भाग कौर दे हाथ की जड़ी होंगी है जी तोप हाथ वाली वह पई है कैसा रूप होना उस बीबी का उस माँ का एक बारी जरूर सोच के इत्थे ध्यान रखियो भी मेरे को घट ही है समा आओ भी कुछ कु समा होर फिर आप समाप्ति वाल वधीए उस माता का रूप अपने अखा सामने एक बार लैके आयो तुहाडे रोल मॉडल होने चाहिए साढ़े आइडल माता भाग कौर श्री माता भाग कौर एडे बलवान अंदरों एडे पक्के गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह एडे अंग संग समझिया भी जाके उन्हें चालिया के मूँह से ताणा मारिया ललकारा मारिया वह कहते जाओ जाओ बच्चे संभो जाके घर संभो जाके रोटियां पकाओ आ कृपाना तलवारा सानू फड़ाओ असी जाके जंग लड़दी हैं कहिंदा एडे ना चुको तुसी बे लियाओ मैं गुरु की सिखणी हां मैं गुरु गोबिंद सिंह दी धी बच्ची हां लियाओ सानू दियो शस्त्र आपां जावांगी जाओ तुसी घर दे काम करो जाओ चुल्ला सांभो ऐवे ललकाड़ा मारे हिम्मत चाहीदी गुरु प्यारे एक ना बीबी मैनू पुछदी कहिंदी परवट्टे बना सकदे आईब्रोज बनवा सकदे आ मेकअप करा सकदे आ आ सुणियो गल कहिंदे वीर जी मेकअप करा सकदे आ सिख मैं इहनू इक गल कही मैं तां माता भाग कौर नू पुछिया जा जब पूछा जाके माता भाग होर की कह मैं जे मैं ना कहूँगा तो वीर जी तो बुरा कोई नहीं ये केड़ा जम पे नवा जे मैं हाँ कह फिर तो मेरे में जुतियां पैनी प्यारे रूप एक बारी मैं तो कहना भी जरूर माता साहब कौर का रूप ना अपने अखा सामने लैके आयो माता भाग कौर जी का रूप अपने सामने लैके आयो एक बारी तो बीबी शरण कौर पता कौन जिन्होंने जेड़े शहीद होए सी चमकौर दी गड़ी च एक एक सिख दा चुक के कल्या ने रात वेले संस्कार किया सी बीबी शरण कौर जी ने कली बीबी ने ते मुगलां ने फड़ के अग विच उसी चिखा विच सटता सी भी शहीद करता सी उत्थे एडे तगड़े जिगरे वाली बीबियां हुई अज क्यों नहीं हुंदियां अज क्यों नहीं पैदा हुंदियां अज क्यों बाबा फतेह सिंह दोबारा नहीं आउंदा क्यों भाई तारू सिंह भाई मनी सिंह दोबारा नहीं जमदे क्योंकि मावां उदां दी नहीं रही बापू उदां दे नहीं रहे उदां दे परिवार नहीं रहे उदां दियां गल्लां ही नहीं रहियां गल्लां ही साडियां कुछ होर हुंदियां सारी सारी रात लंघ जांदी है बकवास साडे तो कराई जावो मैनूं माफ करे जो मर्जी अबा तवा साडे तो बुलवाई जावो जे चज दे कम दी गल कोई कर लवे फिर कहिंदा भी मैनू देर हो रही मैं जावां फिर कहिंदा बोर हुंदे आ जी प्यारे जीवन बनाइए जीवन ओ माता भाग कौर आके सामने ललकारा दिता ते ए सारे जने शर्मसार होए एक तां चाहीदा कोई ताकत वाला जिदां दा बाबा आया सी ना तीर वाला संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले है कोई सानी है कोई मुकाबला करन वाला
है कोई बाजा वाले का मुकाबला करू है कोई मना सीगा सारा भी घोड़े की सवारी नहीं कर सकते सिर ते पगड़ी दस्तार नहीं रख सकते सारा कुछ चीजा शस्त्र नहीं रख सकते महाराज ने सब कुछ कराया कहते लो भी सिंह आ मना कर दिया तुसी होर दमाले सजाओ और शस्त्र रखो शस्त्रहीन है कबहू ना होई रहतवान सो गुरसिख है सोई साढ़े शस्त्र कितने आ मैनू एक एक बुजुर्ग मिले बुजुर्ग मैं क्या भी बुजुर्गो मैनू दसो भी 84 वेले कि बड़ी सी तुहाडे नाल मैं पूछया उन्होंने कहते सच दसा मैं आहो कहते जिस वेले मैनू चीकां बार सुनाई दित्तियां जिस वेले आवाज आई मैनू बार बुजुर्ग ने मैनू अपनी हड बीती दसी कहते मैं खिड़की खोल के दरवाजा खोल के वेख्या भी कौन आंदा कहिंदा बंदे भज्जे आंदे सी हथ विच तलवारां चुकी कहिंदे मैं घर दा दरवाजा बूहा बंद किया कहिंदे अंदर मैं गया कुछ लभण मैनू कुछ मिल जावे कहिंदा मैं कुछ होर लभ नहीं पाया मैं उह जाले लाण वाला झाड़ू चक के लिया शस्त्र नहीं घरां विच उह जाले लाण वाला झाड़ू चक के लिया बाबा की रखिया करूंगा आप दी ते की रखिया करूंगा होर झाड़ू चक के लै ओ गुरसिखो शस्त्रां नाल प्यार पाओ जय हमारे अस कृपान खंडो खड़क तुबक तबर अर तीर सहब सरोही सहती जय हमारे पीर ए पीर ने अपने घरां विच सजा के रखो ऐन जे नहीं विश्वास होंदा आ माता सुंदर कौर जी दे गुरुद्वारा साहब हो आयो ITO जिथे ITO दे नेड़े इतिहासिक स्थान है माता सुंदर कौर जी दा उत्थे दो श्री साहिबां लगियां होईयां पईयां होईयां उत्थे जाके पढ़ियो खां माता जी पुछदे माता साहिब कौर जी भी महाराज मेरा नेम है तुहाडे दर्शन करके कुछ मूंह नूं अन्न जल पांदियां ते आप जी चल्लियो फिर मेरा नेम किद्दां निभूगा गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने अपने कमर कस्से विच्चों शस्त्र कढ के दिते ओ महाराज सच्चे पातशाह ने एवें दिते कहिंदे लो अज तो बाद इन्हां दा प्रकाश करके सवेर वेले जदों नेम करदे हो इन्हां दा प्रकाश करके ते अपना नेम करके फिर दर्शन करे शस्त्रां दे कहिंदे शस्त्र नहीं दिखणगे उत्थे मैं दिसूंगा आखो सतनाम श्री वाहे हां श्री अकाल कहिंदे उत्थे मैं दिसूंगा उत्थे लिखिया भी होया नाल पढ़ के आयो जरा भी माता साहिब कौर जी नूं अपने शस्त्र निजी शस्त्र गुरु कलगी धर महाराज ने दिते शस्त्रां नाल एडा प्यार सी गुरसिखां दा एडा प्यार अज तां कोई कोई बच्चा कृपान पा लवे तू पागल हो गया ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖੋ ਪਿਆਰੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨ ਧਾਰੀਆਂ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ ਪਰ ਚਲਾਣ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਾ ਲੈ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਰਜ ਰਜ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਲੋ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆ ਬੀਬੀਓ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋ ਬੋਲਿਓ ਮਾਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਲੀ ਦੇ ਚਾਲੀ ਫਿਰ ਕਹੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਚਾਲੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫੋਕੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖਬਰ ਪਈ ਵੀ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ
उस जगह ते सारिया ने डेरा जमाया ते उत्थे ही फिर जंग लड़ी। सच्चे पातशाह उत्तों चढ़ के वेखदे सी, एक एक सिंह जड़ा नाल ना एवें जूझ जूझ पैंदा सी भी गलती तो हुण पता भी कर आए सी, हुण बख्शवाणी है भी सच्चे पातशाह हुण पत रख लै साडी इज्जत बचा लै। एक एक ने ऐ लड़िया, माता भाग कौर भी विच लड़ाई विच, उस जंग विच माता भाग कौर जी भी सी। ते सच्चे पातशाह ने फिर देखिया जदों जदों जंग समाप्त होया खत्म होया ते सच्चे पातशाह फिर घोड़े ते चढ़े, घोड़े ते सवार गुरु गोबिंद सिंह कलगियां वाले बाजां वाले सच्चे पातशाह एक एक दे कोल जांदे आ, देखदे आ ना भी थले कोई सिंह लेटिया पिया फटड़ होया पिया, जाके ना एवें मत्था चुमदे उहदा, उहदे हथ फेरदे आ, उहनूं प्यार गले नाल लगांदे आ भी ये मेरे बच्चे प्यार खातर शहीद हो। ते जिस वेले चलदे 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 की वेख्या कि भाई महा सिंह जिहड़ा उन्हां चालियां विच्चों जिहड़ा बदावा लिख के गया वह भाई महा सिंह भी लेटिया पिया। आ सुने बड़े प्यार वाली बात अखीरली फिर समाप्ति, भाई महा सिंह लेटिया पिया, महाराज अपने घोड़े तो थले उतरे, सीन अपने सामने लियायो गुरु सिखो किदां दा वो माहौल होना, लहू लुहान गुरसिख भाई महा सिंह हजे हल्के हल्के सां चलते, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ना एवें थले झुक के बैठे, जिस वेले थले नीवे होके बैठे तो भाई महा सिंह का एवें सिर फड़ के ना अपनी गोद च रखिया अपना उहदे सिर ते एवें फेरदे आ प्यार नाल वी मेरे बच्चे आ दस की मंग मंग की मंगदा बोल की चाहिदा, तू सही तू एडा जज्बे नाल लड़ाई कीती, तू मेरे खातर प्यार दी खातर वापस मुड़ के आया, बोल की मंगदा दस की चाहिदा। हुण नजरां ते मिलदियां नहीं सी, पता सी भी गलती तां कर आया, पता सी भी छड आया, गलती बहुत भारी कीती भी ऐसे दाते नूं छड आया भी साढ़े पिछे जिहड़ा परिवार लुटाण नूं राजी रहिंदा है, भी सब कुछ वारण नूं राजी रहिंदा है, जिहड़ा सच्चे पातशाह इह गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे आ महाराज मेरा पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेड़ा, कहिंदे ऐसे दाते नूं आपां लिख के दे आए भी तू साडा गुरु नहीं असीं तेरे सिख ने, अखां नहीं मिलदियां सी पर गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु ने ना एवें अपने इत्थे ना गुट घुट ने ते अपने सीर रखिया ते एवें प्यार करदे कहिंदे मां सिंघा मंग लै बच्चिया की मंगदा, मैं तेरे तों बहुत खुश हाँ तेरे तों, मंग की मंगदा है तां बापू ही सी अखीर, है तां साडा प्यो साडा बापू, कित्थे रहा जांदा वी बच्चा जिड्डी कु मर्जी गलती करे पर मां प्यो हमेशा बख्श लैंदे। मां सिंघ दे एवें हथ जोड़े कहिंदे सच्चे पातशाह मैं की मंगदा, कहिंदा सच्चे पातशाह ओ एवें इशारा करदा कहिंदा ओ जिहड़ा लिख गए सी ना असीं मूर्ख जिहड़े लिख गए सी सच्चे पातशाह, हे बाजां वाले सच्चे पातशाह कलगियां वाले सतगुरु भी ओ जिहड़ा बदावा लिख के गए महाराज उहनूं पाड़ दे, ओ पाड़ दे सच्चे पातशाह कलगियां वाले भी मैं चैन नाल मर सकां, उन्हों पाड़ दे। देर नहीं लाई बाजां वाले गुरु गोबिंद सिंह साहब ने फटाफट अपने कमर कसी कढ़िया वे कहिंदे ए ए पाड़ दे, कहिंदे देख मैं अपने नाल रखिया सी भी मैनूं पता सी भी तू मेरे कोल आएगा, पता सी भी तू मेरे कोल आएगा मेरे पुत्रा, अज भी गुरु गोबिंद सिंह बाह खिलार के खड़िया भी बच्चो मैनू पता भी तुसी सारे मेरे कोल आओगे, पर कदों जाना है अपां, भाई महा सिंह कोल तां समा सी पर साडा कुछ पता हुणे बाहर निकल गई तुर चलीए, एक सां दा पता इत्थे बैठे ही बैठे कुछ हो जाए, भाई महा सिंह कोल तां कुछ कु घड़ियां सीगियां, कहिंदा सच्चे पातशाह पाड़ देना गुरु गोबिंद सिंह महाराज फाड़ दो ना बदावा, आह बच्चे अल्लाह कहिंदे ए
ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਰ ਲੀਰ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਆਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਨਾ, ਆਹ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗ ਤੂੰ ਮਾਫੀ, ਜੇ ਮੰਗਦਾ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਦ ਸਵਾਮੀ ਸੰਧਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਸ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਸ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆਵੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਫੀ ਪਾਣ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਆਸ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਵੀ ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਤੋੜੀ ਨਾ ਟੁੱਟੈ ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੁੱਟੈ ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਨੀ ਮੂੰਹ ਲਾਲਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ। ਐਡੀ ਗੂੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ। ਆਓ ਸੁਣਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਨਿਵਾਰਿਆ ਸੀਤਾ ਹੈ ਚੋਲਾ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਨਿਵਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਸੱਟੇਂਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸੀਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਪੜੋ ਵਿਦਵਾਨ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਨਿਵਾਰਿਆ ਸੀਤਾ ਹੈ ਚੋਲਾ, ਗੁਰਬਚਨੀ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਚਨੀ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਦੇਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਸਹੁ ਖਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਹਮ ਸਹਿ ਕੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਸਾਚਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਹ ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਹੀ ਖੜਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ, ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਖਸਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਅਸਲ ਵਿਆਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਿਆਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਦਿਸਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਗੂੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਲ ਰੱਖਣ,
गुरु ग्रंथ साहब अपने चरणों नाल जोड़ी रखन, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह साढ़े ते तरस भनिया नेरा करन, सानू भी मेहर करके अपने चरणों नाल जोड़न, जिदा उन्होंने निभ गई साड़ी भी निभ जाए। इस करके मेरी हाथ जोड़ बेनती है भी जिहड़े हजे तक निगुरे ने, जिन्हें हजे तक अमृत नहीं छकिया, वो जरूर पंजा सिंघा कोल जाके अमृत की खंडे बाटे की पौल छको प्यारे। की होएगा जी जिहड़ा पांच सिंह अमृत जो देवें ताको सिर तर छक पुन लेवें, पुन मिल पांचों रहत जो पख है ताको मन में दृढ़ कर रख, पीवो पौल खंडे धार होए जन्म सिंघा। तिना शहीदां नूं प्रणाम अज दे दिहाड़े मुक्तसर दी जिहड़ी जंग, उन्हां नूं प्रणाम है सारिआं नूं। माता भाग कौर जी नूं याद रखियो ते अपने घरां विच सिक्खी लै के आयो प्यारिओ, अपने घरां नूं गुरद्वारे बणाओ। इत्थे ही समाप्ति है जी, बोलदिआं भुल्लां चुक्कां दे खेमा आप जी अनजाण बच्चे समझ के बख्श लैणा। कुछ वाद घट बोलिया गया होवे, गुरमत जिहड़ी लगदी है उहनूं घर लै जाओ, ते जिहड़ा होर कुछ तुहानूं ओह साडे पल्ले पा देणा, गलतियां भुल्लां चुक्कां। सच्चे पातशाह नूं अरदास जरूर करियो भी सच्चे पातशाह साडी झोलियां विच भी गुरमत दा किणका पा देण, सच्चे पातशाह सानू भी गुरसिखी नाल जोड़न, ये हौसले ये जज्बे ये साडे विचकार भी आण। आओ प्यारे भुल्लां चुक्कां दी खिमा, बहुत बहुत धन्नवाद है। सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का सब तो वध धन्नवाद, आप संगतां दे दर्शन कराए है, गुरु साहब ने कृपा की, बहुत बहुत धन्नवाद। जिन्हें प्रबंधक भीर जिन्हें भी सिंह जिन्होंने आप जी के दर्शन करवाए सारिआं दा धन्नवाद है। आओ प्यारे हुण गज के आप जी आनंद साहब विच पढ़िए, एक पंक्ति नाल पढ़ लीए। साची प्रीत होवे साढ़े सारिआं विच, ते किते ऐ ना होवे भी महाराज तो टुट के किते होर अपनी प्रीतियां जोड़ लईए। इस करके ओ गुरु कैसा है, टूटी गंडन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतपाल। एक गुरसिख जिहड़े टुटे हुए ना उन्हां नूं जोड़दा है सच्चे पातशाह। भुले सिख गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए। जिहड़े भुले हुए होंदे आ ना गुरु समझांदा है, ते जिहड़े उजड़ जांदे अपने रस्ते चों उन्हां नूं सही मार्ग दिखांदे आ। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, बोलो भी सारे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। इस करके प्रीत किहदे नाल जोड़नी है, गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल, होर किते ना जोड़े। प्रीत होवे सच्ची, आओ सारे जने एक वारी पढ़ लिओ। साची प्रीत हम तुम से हो जोड़ी, 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 जोड़ी।
Gobind Singh Sahib, 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 Gobind Sing
जोड़ी तुम संजोड़ अवर संग तोड़ी। सौ प्यारे हाजरी प्रवान करो बोलद भुला चुका दिखे मैं सारे गज के हूं आनंद साहब पढ़े जी कोई रसना वांझी ना रहो। राम कली महला तीजा नंद एक ओंकार सत प्रसाद नंद पया मेरी सुनी सची
ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।